टीकमगढ़ शहर नवदुर्गा पर्व के दौरान किए जाने वाले गरबा नृत्य को लेकर बजरंग दल व विश्व हिंदू परिषद के संगठनों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि गरबा नृत्य का प्रदर्शन अश्लील गानों पर किया जाता है, जिससे धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचती है। ऐसे नृत्य को तत्काल बंद कराने की प्रशासन से मांग की और साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि यदि हम लोगों की मांगों को पूरा नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन करेंगे। टीकमगढ़ शहर के संयुक्त कार्यालय में विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल संगठन के कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर नवदुर्गा पर्व के दौरान गरबा के निजी होटलों में गरबा नाइट का आयोजन WE क्लब उन्नति एवं गरबा महोत्सव B क्लब के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के संगठनों ने अश्लील गीतों पर अश्लील नृत्य होने की आशंका जताते हुए विरोध प्रदर्शन किया। टीकमगढ़ से मनोज खरे की रिपोर्ट। चूंकि यहाँ पे अपना बुंदेलखंड है, यहाँ पे बुंदेलखंड में जो अपनी नवरात्रि का पर्व है, यहाँ पे पर्व को लोग 9 दिन व्रत रख के महिलाएं और भक्ति भाव से भजन कीर्तन वगैरह करती हैं। यहाँ पे कुछ नई पद्धति, कुछ पूंजीपति लोग एक उस पद्धति को बदल के दूसरे राज्यों की जो पद्धतियाँ हैं गरबा वगैरह उनको होटलों में संचालित कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। चूँकि ये धार्मिक समय है, यहाँ पे देवी देवताओं की सब लोग पूजा पाठ में रखते हैं रुचि, और आप वहाँ अलग शहर से करीब 8 किलोमीटर दूर आप का आयोजन अगर कर रहे हैं तो वहाँ कौन सुरक्षा में है, किस पद्धति से हो रहा, वहाँ ना तो कोई देवी जी की प्रतिमाएं हैं ना कुछ है, वहाँ भक्ति भाव की जगह वहाँ वासना के भाव से वो लोग ये कार्यक्रम हो रहे हैं, तो उसका हम विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल विरोध करते हैं और उसके लिए आज हमने प्रशासन को ज्ञापन दिया है। और अगर इसको तुरंत स्थगित नहीं किया गया इन गर्भों को, आने वाले गर्भों को, तो हम उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे और जिसकी समस्त जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। टीकमगढ़ जिले में कहाँ कहाँ गरबे हो रहे हैं? टीकमगढ़ जिले में सिल्वर रिसोर्ट नाम के स्थान पर होटल में गरबे हो रहे हैं, इसके साथ में डायमंड पैलेस वहाँ भी कोई समिति आयोजन करवा रही है, जो कि गलत है। ऐसा देखने में आ रहा है कि बहुत जगह उनकी रिहर्सल चल रही है जी, तो अभी क्या रिहर्सल रुकवाएंगे क्या आप लोग? नहीं, रिहर्सल से ज़्यादा हमें ये है कि प्रशासन को हम अवगत कराते हुए उस कार्यक्रम को स्थगित कराएं। यदि स्थगित नहीं होता तो नवरात्रि के बाद वो गरबे किसी भी होटल में करें, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन वहाँ पे भी अगर अपनी हिंदू बालिकाएं महिलाएं वहाँ रहती हैं उनके साथ कोई अश्लीलता या कोई अभद्रता होती है तो उसके लिए वो जिम्मेदार होंगे। उसके लिए बजरंग दल हमेशा सक्रिय रहता है, किसी भी धार्मिक भावना को कोई आहत ना करे, हमारी संस्कृति के विरोध में कोई काम ना करे, ये हमारी हमारा आग्रह भी है और हमारी चेतावनी भी। बजरंग दल के और विश्व हिंदू परिषद के कुछ कार्यकर्ता आए थे मेरे पास, उन्होंने ज्ञापन दिया है कि सब नवरात्रि प्रारंभ होने जा रही है, इसमें कुछ होटलों में गरबा नृत्य का आयोजन किया जाएगा, इसमें कुछ अश्लीलता जैसे कुछ कार्य किए जा रहे हैं, इसमें तत्काल प्रभाव से रोक लगाएंगे। इस संबंध में ज्ञापन दिया है और मैंने ज्ञापन लिया है तो इसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी उसके लिए पुलिस को पत्र लिखेंगे और जिले के वरिष्ठ अधिकारियों को आवाज कराएंगे और जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी की जाएगी। देखिए, जहाँ तक मेरी खुद की सोच है कि हमारे कार्यक्रम हमेशा से ही मर्यादित रहे हैं, हम खुद वल्गैरिटी मैं खुद पर्सनली पसंद नहीं करती हूँ और आज तक का आप रिकॉर्ड उठा के देखिए, आप कोई भी वीडियो कोई भी फोटो मेरे कार्यक्रम की आप दिखा सकते हैं गरबा में, कि जहाँ पे महिलाओं द्वारा गलत तरीके से कपड़े पहने गए हों या हमारे यहाँ, इनफैक्ट हमारे यहाँ हम बॉयज़ को भी अलाउड नहीं करते, मेरी प्रैक्टिस में भी एक व्यक्ति यहाँ नहीं होता है, हमारे सारे वॉलेंटियर्स बाहर होते हैं और हम खुद एक छोटा सा शहर है, हम हमारी मर्यादा जानते हैं। और रही बात नवरात्रों की, तो ये पूरी दुनिया में होता है गरबा, पूरी दुनिया में गरबा होता है, महिला पुरुष भी साथ में खेलते हैं, पर हमारा एक छोटा सा शहर है, हमारी एक छोटी सी दुनिया है जिसमें हम हमारा कार्यक्रम बहुत अच्छे से कर लेते हैं। और दूसरी बात जो आती है होटल और गार्डन की, तो आप मुझे बताएं ये कार्यक्रम क्या हम नगरबाग के ग्राउंड में करेंगे? हमको एक ऐसी व्यवस्थित जगह चाहिए जो चारों तरफ से बाउंड्री हो, उसमें एक गेट हो, गेट पे हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, हमको कोई भी आप स्थान दें, हम आप पूरे शहर के खुले मैदानों में
या जहाँ देवी पांडाल होते हैं वहाँ इतनी स्पेस नहीं होती है कि 400-500 बच्चे या महिलाएं गरबा कर सकें, तो हमें एक सेफ जगह चाहिए, गार्डन हो चाहे होटल हो। यदि आप रिसॉर्ट की बात करते हैं तो हमें सिर्फ एक बॉर्डर वाला एक व्यवस्थित जगह चाहिए जहाँ वॉशरूम भी हो, बाथरूम भी हो, बच्चों के लिए खाने पीने के स्टॉल भी लगाए जा सके उसके लिए, और एक जगह से। और आप तो खुद बताएं ना, हमारे कार्यक्रमों में कब आपको वल्गैरिटी मिली है, कब आपको ऐसा माहौल मिला है जिससे जिस मैं भी बहुत दिनों से देख रही थी कि वीडियोज आ रही है नहीं करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए। आप दूसरे शहरों की अपेक्षा अपने शहर बहुत शांति प्रिय शहर है, हमारे लोग हमारी बेटियों पर हमें पूरा विश्वास है। ये बेटियाँ वो बेटियाँ हैं जो अपने घर से आई हैं, उनके माता पिता और हम लोग सब एक दूसरे को जानते हैं, तो अपने महिलाओं पे अपनी बेटियों पे भरोसा होना चाहिए। हम ऐसे माहौल में बिल्कुल नहीं जा रहे हैं जहाँ हमारे परिवार की बदनामी हो या नाक कटे। यहाँ बहुत से पेरेंट्स बच्चों को खुद लेने आते हैं, छोड़ने आते हैं, और उनको एक ट्रस्ट है कि हमारा 5वां साल है, हमने हमारा विश्वास शहर में बनाया है। हमारे कार्यक्रमों में आप मुझे पिछले 4 साल के रिकॉर्ड उपलब्धि में कोई एक फ़ोटो लगा दिखा दें, कोई वीडियो दिखा दें जहाँ पे हम लोगों ने हमारी मर्यादाओं को तोड़ा हो। ये तो माता की आराधना है, अगर इसको गलत तरीके से लिया जा रहा है तो अपनी सोच को चेंज कीजिए। अगर आप इस तरह है तो आज का समय ये है कि जरूरी नहीं है कि होटल बात बहुत गलत हो जाती है। अगर हम लोग किसी होटल में अरेंजमेंट कर रहे हैं तो वो जगह की वजह से कर रहे हैं, क्योंकि वो पंडाल चाहिए बहुत बड़ा। और अगर शहर में जहाँ जहाँ पंडाल लगे हुए हैं वहाँ पर इतनी फैसिलिटीज नहीं होती है कि हम लोग वहाँ गरबा कर पाए। और हम लोगों ने जो डायमंड पैलेस में रखा है उसमें कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है कि जहाँ अश्लीलता फैलाई जाए। और लड़कियों की सुरक्षा के वजह से हम लोगों ने 20 सिटी में रखा है, पुलिस फोर्स की पूरी व्यवस्था है, करीब 50 से 60 के लगभग वहाँ पर सिक्योरिटी हम लोग को महिला पुलिस की मिलेगी, ऐसा हम लोगों को आश्वासन दिया भी गया है। आप लोगों ने क्या SP सर को ज्ञापन दिया है? जी, हम लोगों ने SP सर को ज्ञापन दिया है, कोतवाली में भी ज्ञापन दिया है इसके मामले में। और ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा हो लड़कियों महिलाओं की, हम लोग भरपूर कोशिश करेंगे, क्योंकि उन लोगों का भक्त भी है कि वो पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे, कार्यक्रम करेंगे विरोध करके हमला इसका क्या होगा। देखिए, ना ही तो ऐसे गाने वहाँ बजाए जाएंगे जिससे वो विरोध कर सके। हमारे यहाँ जो आरती भी हो रही है वो भी माता की आराधना है और दीपक लेके कर रही है, तो इसमें कोई गलत नहीं है। क्या गलत है आप ही बताइए। हाँ, पूरा मर्यादा पूर्वक रहेगा, कोई भी उसमें ऐसे DJ साउंड गाने नहीं बजाए जाएंगे जिसमें अश्लीलता दिखाई जाए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। खरगोन जिला महेश्वर से आशापुर तक निकली भव्य शोभा यात्रा।